की मनराज दीवाना का दुश्मन बताया जा रहा है, और वो उसमें माफ़ी मांगते हुए कह रहा है कि मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने किसी भी मनराज दीवाना को या किसी को धमकी नहीं दी। तो दोस्तों आपको पूरा ऑडियो सुनाया जाएगा, बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब सुन लेते हैं वो वीडियो। राम राम दोस्तों, मैं अपना नाम और पता तो आपको नहीं बता सकता, पर मैं जो भी हूँ और जो भी कहूँगा वो सही कहूँगा। इस बात को आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि मुझे झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला, और मैं झूठ बोलने से भी नहीं मिलने वाला, और मैं सच बोलूँगा तब भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, मनराज दीवाने को हमारे किसी भी भाई ने जान से मारने की धमकी नहीं दी, और ना ही किसी के साथ मारपीट की गई। मनराज तो छोटी छोटी बातों को लेकर लाइव आ जाता है और आपस की बातों को लोगों तक फैला देता है। दोस्तों, मैं भी एक गुजर हूँ और कसम खा के बोल रहा हूँ इस गुजर जाति की, हमारे किसी भी भाई ने उसके साथ न तो कोई मारपीट की गई है और न ही किसी भाई ने उसको धमकी दी है कि ऐसी जान से मारने की वारने की। जो भी ये वीडियो चल रही है, फलाना ढीकड़ा जो भी, और वो लाइव आके बता रहे हैं कि मेरे को ऐसी ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि हमारे किसी भी भाई ने उसको न तो कोई धमकी दी है और न ही हमने किसी के साथ कोई मारपीट की है। दोस्तों, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जब आदमी खुद ऊपर उठने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसको, तो हो सकता है कि इसी बात का सहारा ले रहा हो, जो बिना फालतू किसी भी तरह के अफवाह फैला के लोगों को बेवकूफ़ बना के और अपना इस स्तर ऊपर उठाना चाह रहा हो सकता है, लेकिन हमारे तो किसी भी भाई ने इसको ऐसे कुछ नहीं बोला। धन्यवाद दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस। राम राम। डाल दे दोस्त, डाल दे ग्रुपों में। मैं इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो सभी लोगों से निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे फालतू तो अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि और ये जो फालतू की अफवाहें मत उड़ाओ, जो भी हैं उसको भूल जाओ, सब फालतू हैं, कोई ऐसा नहीं हुआ है जो उसने बताए लाइव आके। धन्यवाद, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ग्रुप में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में।